अस्सलाम वालेकुम। आज हम कोई रेसिपी ट्राई नहीं कर रहे। आज मैं आपको बता रही हूँ सर्दियों के सीज़न में मिलने वाले हरे लहसुन को, जिसको गुजराती में हम लीलू लहसुन बोलते हैं, उसको प्रिजर्व करने का तरीका, जिससे हम पूरा साल उसको अपनी रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। ये मुझे किसी ने रिक्वेस्ट की थी। इसके लिए आपको जितना हरा लहसुन चाहिए उतना ले ले, उसको आप साफ़ कर लेंगे। और अब आपने इसको धोना नहीं है, क्योंकि हमने इसको फ्रीज़र करना है, तो इसको हम धोएंगे तो इसके अंदर पानी पानी हो जाएगा। आपने एक वेट टिश्यू ले लेना है, इस तरह से वेट थोड़ा सा, और इसको आप साफ़ करेंगे, इसको इस तरह से पोंछ लेंगे, तो ये जो है इसमें से गंद निकल आएगा। और वैसे भी ये साफ़ हो चुका है, छिला हुआ है, तो काफ़ी कुछ कचरा इसके अंदर से निकल आया है। इस तरह से आप सारा कर लेंगे तो ये जो जितना इसके अंदर बचा होगा इस तरह से निकल आएगा। ये मैंने सारे लहसुन को साफ़ कर लिया है, पोंछ लिया है। ये देखिए इसमें से इतना गंद निकला है, ये पोंछ चुका है। अब हमने इसको चॉप कर लेना है। ये देखिए मैंने सारा लहसुन कट कर लिया इस तरह से। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। मैंने एक ट्रे ले ली, इसके अंदर मैंने साफ़ वाला पेपर लगा लिया। चाहे तो टिश्यू भी लगा सकते हैं, मगर न्यूज़पेपर नहीं लगाइएगा, क्योंकि उसकी इंक नुकसान करती है। इसके अंदर हम ये डाल देंगे और इसको हम पूरे में अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। और इसको हम क्लीन फ्लेम से कवर कर लेंगे। ये कवर हो चुका है। अब मैं इसको फ्रीजर में रख दूंगी ताकि ये क्रिस्प हो जाए पूरा। ये देखें हमारा लहसुन अच्छे से फ्रीज हो चुका है। ये देखिए हमारा लहसुन अच्छे से फ्रीज हो चुका है, बिल्कुल बर्फ़ हो चुका है। अब हम इसको फ्रीज़र बैग में भर देंगे। आपको जितने जितने पोर्शन बनाने हैं उस तरह से आप पोर्शन बना लें, और इसको हम रख देंगे। ये मैंने फ्रीज़र बैग में सारे फिल कर लिए हैं। अब मैं इसको फ्रीज़र कर सकती हूँ पूरा साल, इसको कुछ नहीं होगा। जब आप इसको निकालेंगे यूज़ करने के लिए, जो भी रेसिपी में चाहिए उसमें, तो इसमें थोड़े से आइस क्रिस्टल बन जाएंगे, मगर उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने इसको वॉश नहीं करना है। जब आप इसको निकालेंगे तो ये अंदर ड्राई है, तब इसको थोड़ा सा कुछ लेंगे इस तरह से, तो ये पूरे पूरे पीसेस में इसी तरह से आएगा। और आप डायरेक्ट इसको खाने में यूज़ कर सकते हैं। जब आपको जो भी रेसिपी ट्राई करनी है उस तरह से, चाहे खिचड़ी बनानी है हरे लहसुन की, जिसमें भी आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। आई होप मेरी ये टिप आपको भी ज़रूर से पसंद आएगी और आपके लिए भी यूज़फुल होगी। आप भी ट्राई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।